नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जो आपका इंडियन रेलवे में पिछले जो आपका ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग जो है MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह रेलवे का जो कोई भी पद का जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सीरीज़ को मिस ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले आपका जो पार्ट 1 और आपका जो है पार्ट 2 जो है पोस्ट किया गया है, और साथ में आपका जो है 2 से 3 वीडियो जो है आपका इंडियन रेलवे संबंधी जो है आपका पोस्ट किया गया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख ले, इस सीरीज़ को आप लोग मिस ना करें दोस्तों। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नौकरी जोन जो है आपका YouTube पे अवेलेबल है, आपका जो Facebook में भी लाइक कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, Twitter में भी आप फॉलो कर सकते हैं, Instagram में भी आपका जो है अवेलेबल है, और आपका Telegram नेटवर्क भी है। ठीक है दोस्तों, Telegram नेटवर्क ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं PDFs वगैरह के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आपका जो है आधारित है। ठीक है, मैं आंसर डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, आपका जो है सारे ऑप्शंस पढ़ के मैं नहीं सुनाऊंगा। पहला आपका, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इसका आंसर है दोस्तों आपका बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। इसका आंसर है आपका उसी का अपोजिट, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका कि रडार के आविष्कारक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, रडार के जो आविष्कारक है दोस्तों वह है आपका सी, अल्बर्ट टेलर जी। सी राइट आंसर है थर्ड का। आगे देखते हैं, अगला है कि न्यूट्रिनो की आपका जो है खोज किसने किया था। ठीक है, चौथा नंबर, इसका आंसर है दोस्तों आपका जो है वह है पाउली। इसका जो स्पेलिंग होगा वह इस तरह से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाउली है, न्यूट्रिनो की कब का जो है खोज किया था। अगला होगा कि आवर्त के नियम की खोज आपका जो है किसने किया था। तो आवर्त के नियम का जो खोज है आपका जो है डी मेंडलिफ ने किया था। ठीक है दोस्तों, डी मेंडलिफ ने। ठीक है दोस्तों, जो आपका रेलवे का जो साइंस का जो होगा क्वेश्चंस जो आने वाला होगा उसमें से आपका जो है एक जो है आपका जो आविष्कार और आविष्कारक से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कारक जो आपका पूछा गया है वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, आगे भी मैं आपको करवाऊँगा सभी आविष्कार और आविष्कारक, आप इंतजार कीजिए। अगला है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किनके द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर है आपका दोस्तों बी, एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी जो थे वो आपके इटली के निवासी थे। कहाँ के? इटली, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। एनरिको फर्मी जो है आपका इटली के निवासी थे, इन्होंने आपका प्रथम आपका नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका कि प्रथम हाइड्रोजन बम आपका जो है कब बनाया गया था। इसका आंसर है आपका डी, 1952, 1952 में आपका जो बनाया गया था। इनके जो हाइड्रोजन बम बनाने वाले जो आपका जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एडवर्ड टेलर नाम था। क्या नाम था? एडवर्ड आपका टेलर नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका जो है USA अमेरिका के आपके एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के। दोस्तों, एक जो आपका पार्ट नंबर 2 जो था आपका जनरल साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो थे वो आपका ए, मैंने आपको शायद आपको लीनियस बताया था, वो गलत, दोस्तों उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो उनका नाम होगा आपका थियोफ्रेटस। ठीक है, शायद ऑप्शंस ए में थियोफ्रेटस था, तो वो आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा।
जनरल साइंस का पार्ट टू का जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस नाम है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि गलती ना हो, यदि गलत हो भी जाता है तो मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें आपका जो है करेक्ट कर दूंगा। अगला है दोस्तों कि आपका प्रोटॉन किस प्रकार का जो है कण है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है आपका जो बी है वो आपका धन आवेशित, यानी आपका जो है प्रोटॉन जो है आपका वो पॉजिटिव कण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस प्रकार का जो कण है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस प्रकार का पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो नेगेटिव पार्टिकल है, बी आंसर होगा ऋणात्मक आवेश युक्त। ठीक है, आगे देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो है आपका किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन जो आपका पार्टिकल है वो आपका आवेशहीन है, इसमें आपका नो चार्ज रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। आगे देखते हैं परमाणु बम का आविष्कारक आपका जो है किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर है आपका 11 का ए, ओटो हन को आपका जो है माना जाता है परमाणु बम का आविष्कारक। ठीक है, एटॉमिक जो आपका जो बम है उसका रिसर्च किया था आपका ओटो हन ने। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु बम आपका जो है ओटो हन द्वारा आपका कब बनाया गया। तो परमाणु बम है दोस्तों आपका जो बनाया गया है वो आपका 1945 में, यानी 1945 में आपका जो है बनाया गया था परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम। अगला है इलेक्ट्रॉन का जो आपका खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है दोस्तों इसका आंसर है आपका कि जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का आपका जो खोज किया था, जे थॉमसन। अगर नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन का खोज किसने किया था। ठीक है, आंसर है आपका रदरफोर्ड, बी रदरफोर्ड ने आपका प्रोटॉन का जो है दोस्तों आपका खोज किया था। आपका यह 1911 ईस्वी में आपका जो है प्रोटॉन का खोज किया गया था 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का जो आपका खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों आपका जो है जेम्स चैडविक ने आपका किया था। किन्होंने आपका न्यूट्रॉन का खोज, जेम्स चैडविक ने किया था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला है पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, 16 नंबर। तो पोलियो का टीका का जो खोज किया था दोस्तों वो आपका आंसर है जॉन ई साल्क। ठीक है, सी आंसर है, याद रखिएगा जॉन ई साल्क, सी राइट आंसर है पोलियो के टीके का खोज। नेक्स्ट है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, इनके बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। आपका आंसर है अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के आपका जो है जन्मदिवस पे आपका जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, 18 नंबर। पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों इसका आंसर है मिस्टर एंडरसन ने। ठीक है, याद रखिएगा एंडरसन ने आपका जो है पॉजिट्रॉन का खोज किया था, 18 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक है। तो वेधन क्षमता जो है दोस्तों आपका जो है गामा किरण का, जो गामा किरण गामा रे जो होता है उसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कारक किसे आपका जो है माना जाता है, या फिर टेलीफोन का जो आविष्कार किन्होंने किया था, इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। आंसर है सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, सी आपका जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि निम्नलिखित में से सोलर सिस्टम का आपका जो खोज किसने किया था। ठीक है, सोलर सिस्टम का आंसर है आपका जो है ए कॉपरनिकस ने आपका सोलर सिस्टम का खोज किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 22 का बी, सॉरी दोस्तों डी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में आपका ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी में आपका U-235 आपका जो पाया जाता है, इसमें जब न्यूट्रॉन जंप करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है U-236 में, और काफी सारा जो आपका ऊर्जा इसमें विमुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, क्वांटम का सिद्धांत आपका जो है किन्होंने दिया था। तो क्वांटम का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों आंसर है आपका मैक्स प्लांक ने, सी राइट आंसर है, मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था।
अगला है रेडियो धर्मिता का आविष्कार निम्नलिखित में से किन्होंने किया है। रेडियो धर्मिता का आविष्कार दोस्तों आपका ए हेनरी बेकुरेल ने आपका जो किया था। अगला है प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है वह किस आपका जो है मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। इसी थ्योरी ये थ्योरी जो देने वाले थे दोस्तों इसका आंसर है आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ये जो सिद्धांत है यह बिग बैंग थ्योरी का जो आपका प्रिंसिपल है आपका डॉपलर इफेक्ट पे आपका जो है वर्क करता है। और ये थ्योरी देने वाले थे आपका जॉर्ज, आपका नाम था उनका जॉर्ज लेमेत्रे नाम था, और आपका 1923 ईस्वी में ये थ्योरी आपका जो है दिया गया था। बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड का रचना जो है इसी थ्योरी पर आपका आधारित था। ठीक है, आपका बिग बैंग थ्योरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक आपका जो मशीन बनाया गया था LHC, आपको पता ही होगा, जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया तबाह हो जाएगी, लार्ज हेड्रन कोलाइडर नाम था मशीन का। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम है तत्व है, सबसे सूक्ष्मतम तत्व कौन सा है। 26 नंबर का आंसर है आपका बी हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम आपका जो परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा आंसर है ए अप्सरा। ठीक है, इसका निर्माण 1956 में किया गया, कहाँ पे आपका ट्रांबे में किया गया, याद रखिएगा ट्रांबे में, ट्रांबे नाम है जगह का। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किसने किया था, कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो आपका कौन सा चार्ज हुआ, इसका निर्धारण आपका किन्होंने किया था। इसका आंसर है दोस्तों आपका डी मिलिकॉन ने। ठीक है, याद रखिएगा चार्ज आवेश का जो निर्धारण है, चार्ज का जो निर्धारण है कि कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, ये बताया था आपका डी मिलिकॉन ने। अगला है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण आपका जो होता है वह कौन सा होता है, तो किसी परमाणु में जो सबसे हल्का जो कण होता है दोस्तों आपका वो होता है बी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए आपका जो है कौन सा मेथड जो है आपका उपयोगी होता है, यूज किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों आपका ए कार्बन-14 जो आपका मेथड है वो यूज किया जाता है आयु निर्धारण के लिए लकड़ी का। अगला है पॉजिट्रॉन का आपका जो है किसका प्रतीकण है, प्रतीकण का मतलब होता है एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन जो है दोस्तों आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस लगाइए, इसका आंसर होगा आपका देखिए पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव, तो किसका आपका जो है इसका एंटी पार्टिकल होगा नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव चार्ज किस में होता है आपका इलेक्ट्रॉन में, तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अगला है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कौन सी विधि से, पृथ्वी का यदि आयु का आकलन किया जाएगा दोस्तों तो कौन सी विधि से, तो आंसर होगा आपका यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, ए आंसर है। अगला है कि गामा किरण का खोज किसने किया था, गामा जो रे होता है उसका आपका जो है इन्वेंटर कौन थे, आंसर है आपका 33 का बी बिलार्ड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा हुआ रहता है तो वो गलत है, आंसर होगा आपका बी बिलार्ड। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो जीवाश्म का जो आयु का निर्धारण किया जाता है दोस्तों आपका जो है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, ए आंसर है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से पोलोनियम की खोज किसने किया था, तो दोस्तों पोलोनियम का जो खोज किया था वो आपका किया था मैडम क्यूरी ने, ध्यान रखिएगा मैडम क्यूरी सी राइट आंसर है। अगला है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अक्रिय गैस ऐसा गैस होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसका जो खोज किया गया था आपका जो है रेमजे द्वारा किया गया था। ठीक है, बी रेमजे द्वारा। नेक्स्ट है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का आपका जो प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है आपका ए नाइट्रोग्लिसरील। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसने आपका विकसित किया था, हाइड्रोजन बम जो विकसित किया था डेवलप किया था दोस्तों आपका डी सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका परमाणु बम का जो आपका विकास किसने किया था, यानी परमाणु बम का आपका जो डेवलपमेंट किन्होंने किया था, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए यदि आपको पता होगा तो दोस्तों। ठीक है, आपके आपका आंसर का इंतजार रहेगा, आप लोग इग्नोर ना करें। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि नहीं करना है, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप उसको जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।